जी मेरा नाम महेश प्रताप सिंह बुंदेला है मैं एम एस सी हॉर्टिकल्चर हूँ नाइनटीन का और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मैं पूरे बुंदेलखंड में काम करता हूँ हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है या हमारे मन में एक विचार में एक संकल्प हमने लिया हुआ है कैसे भी हम लोग बुंदेलखंड के जो गरीब किसान हैं जो पलायन करते हैं बाहर जाते हैं अपना पेट पालने के लिए उनको यहीं पर रख करके ऐसा कुछ साधन बनाया जाए ऐसा उनको आय जनरेट करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए ऐसे उत्तम क्वालिटी का मटेरियल दिया जाए कि उनकी आय सुनिश्चित हो और वो अपने आप सक्षम हो सकें इसी प्रारतम्य हमने नाइन्टी सेवन से लेकर के और यहाँ खजराहो में हम काम कर रहे हैं हमने एक दो हज़ार पाँच में बुंदेलखंड से प्लान रोकने की हम जब जाते थे बस से कभी रास्ते में या मोटरसाइकिल से आते थे तो देखते थे कि पूरे चारों तरफ मजदूर एकदम हजारों संख्या में बैठे रहते थे अपने अपने पोटी लिए बैठ रहते थे, थे बच्चों को लिए बैठ रहते थे, थे और वो जल्दी लिए जाते थे, थे तो हमारा आत्मा में जो हम देखते थे कि हमारे ये क्षेत्र के लोग कैसे बाहर जाके और कैसे बच्चों को लेके पाल रहे हैं तो क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए तो इनके पास सबके पास ज़मीन है सबके पास खेत है पानी है छोटे छोटे साधन है मेहनती लोग हैं शारीरिक श्रम कर सकते हैं इस बात को लेके हमने हम 2005 में पहले तो हमने एक 97 से लेके 10 साल तक एक मिर्च की खेती पर सर्च किया एक कंपनी हॉलैंड की कंपनी कम तक में आई महाराष्ट्र जालना की उसके साथ रिलेशनशिप में आके हमने यहाँ पर एक पाँच एकड़ ज़मीन पर मिर्ची के बारे में पाँच सौ वरायटी लगाया फिर दो सौ वरायटी लगाया ऐसे ट्रायल करते रहे वो ट्रायल में ऐसा देखा कि ये मिर्ची के लिए क्लाइमेट बहुत अच्छा है मतलब बुंदेलखंड का क्लाइमेट यहाँ पर मिर्ची के एक एकड़ की पैदावार दो सौ कुंटल एकड़ तक की है और अगर दस रुपये किलो भी हरी मिर्ची बिक जाए तो दो लाख रुपये किलो की हो सकती है तो जब मिर्ची का एकदम क्लाइमेट और मिट्टी और जलवायु सब जो अच्छा देखा तो उसके आधार पर हमने फिर एक धीरे 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 मिर्ची को प्रमोट करने का प्लान किया और 2005 में हमने एक फिल्म बनाई थी छोटा सा एक लघु फिल्म थी ए, 45 मिनट का मिर्चा लगाओ जू। और उस मिर्चा लगाओ जू फिल्म में वो पलायन को कैसे रोकना है खेती कैसे करना है थोड़ा मोटिवेशन था थोड़ा मनोरंजन भी था उसके अंदर ताकि लोगों को उस फिल्म के प्रति एक उत्साह और देखने में रुचि हो तो वो लोगों ने देखी और उस जमाने में हमने दो हज़ार में पच्चीस हज़ार कॉपी निःशुल्क बांटी थी हर किसान जो भी आता था हमारे पास सबको सी डी और उस समय जो कि वह बाट चलते नहीं थे तो प्लेयर चलते थे सी डी वी डी प्लेयर तो वो लोगों को बांटने बांट के और वहाँ गाँव गाँव में फिल्म दिखाई उसका एक परिणाम ऐसा हुआ कि धीरे धीरे लोगों में मिर्च के प्रति जागृति आई और आज बुंदेलखंड में मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है और ये संस्था से अभी भी ईयरली करीब पच्चीस हज़ार लोग जुड़े हैं और पच्चीस हज़ार लोग यहाँ आते हैं हर साल आते हैं मिर्ची के साथ अब दूसरा भी क्रॉप टोमेटो है ब्रंजल है और भी लोगों के दिमाग में जो और भी आय साधन बढ़ाने के आ रहे हैं फ्रूट्स क्रॉप में भी काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे यहाँ थाईलैंड गोवा एप्पल बेर से लेकर जितना भी जो वैरायटी यहाँ यहाँ के क्लाइमेट में अमरूद नींबू बहुत अच्छा होता है तो उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि कैसे भी किसानों की आय में दुगनी वृद्धि हो और किसान लोग हमारे बुंदेलखंड के जो गरीब हैं वो बेचारे सक्षम हो और उनकी आय में वृद्धि होकर करके हमारा बुंदेलखंड समृद्धशाली बने यहाँ के लोग एक अच्छा जीवन जिए अच्छा एक उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे आगे बढ़े यही उद्देश्य को लेकर संस्था बनाई थी और ये मिर्चा लगाओ जो संस्था धीरे धीरे संस्था आज काफ़ी इसका विस्तार है और काफ़ी चर्चा में है आप देखेंगे इधर कैमरा घुमा के कि हम लोग यानी ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स लोगों को देते हैं और बहुत ही सस्ती कीमत पर देते हैं अगर आप मिर्ची की बात करें तो सरकारी रेट है एक रुपये चालीस पैसा एक पौधे का अगर आप बात करेंगे बड़वानी में और दूसरे पूना में नासिक में तो वन एक रुपये चालीस पैसा बिकता है हम उसको केवल अस्सी पैसे में देते हैं मतलब हमारा संस्था का जो उद्देश्य है वो पैसे कमाना नहीं है मतलब हमारा ये कि जो खर्चा है वो निकल के लोगों को अच्छी क्वालिटी का पौधा मिल जाए अच्छा उनका प्रोडक्शन हो और आगे अपना आगे बढ़ें तो हम लगभग लगभग फिफ्टी परसेंट कॉस्ट पर ही मतलब लोगों को पौधा उपलब्ध कराते हैं जो हम बनाते हैं मिर्ची टमाटर बैगन और कभी क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ नहीं करते बेहतर से बेहतर जो सीड दुनिया में बनता है वो सीड हम लोग खोजते हैं लाते हैं ट्रायल करते हैं ट्रायल करने के बाद में जो सफल होता है उसको हम फार्मर्स तक लेके जाते हैं और साथ में टेक्नोलॉजी देते हैं टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पली हम लोग बना के रखे हैं पूरा उसमें खेती कैसे करना है कब लगाना है मिट्टी क्या होना चाहिए पानी कब देना है खाद कब देना है दवा कब देनी है किस रूल में देनी है और हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर सब रहता है फार्मर्स के पास में वो तो लोग कभी भी हमसे बात कर सकते हैं कभी भी हमसे पूछते हैं हम सब सलाह देते हैं और उनको उनकी मदद करते हैं उससे लोगों में विश्वास है हमारे प्रति संस्था के प्रति हमारे पूरे काम के प्रति विश्वास है लोगों में तो आज भी हमारे साथ पूरा बुंदेलखंड में एक क्रांति का मुझे लग रहा आएगी और निश्चित रूप से डेवलपमेंट हमारा हमारा जो सोच है वो सफल होगा ये हमारा बुंदेलखंड जैसे सबको जानते हैं थोड़ा काफ़ी पिछड़ा एरिया है और यहाँ पर अभी हॉर्टिकल्चर की प्रति या काफ़ी जन लोगों में नहीं है और प्लांट भी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस उद्देश्य से ये एक, एक नर्सरी डेवलप की है जिसके तहत ये हिंदुस्तान में जितने भी पौधे उपलब्ध जो भी वरायटियाँ उपलब्ध होंगी वो सारी वरायटी यहाँ उपलब्ध हैं कुछ बहुत बहुत शुरुआत में नया होता है, तो हम लोग मदर प्लांट के लिए ला के रखते हैं उनको सेल नहीं करते हैं फिर उनसे फिर मतलब प्लान से फिर पौधे बनाते हैं और फिर किसानों को देते हैं और जो नॉर्मली आम अमरूद नींबू संतरा मोशम्मी जो नॉर्मली जो वैराइटियाँ होती हैं वो यहाँ सारी किसान के जो मतलब की है जो उनको जिससे उनका लाभ हो सकता है वो मिलती है ऑर्नामेंटल भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है सारे पाम अवेलेबल हैं सारे ऑक्सीजन फ्लावर अवेलेबल हैं ऐसे लगभग लगभग मेरे ख्याल से इस नर्सरी पर पच्चीस सौ सीज के आसपास फसल अवेलेबल है और आप नाम बताएंगे तो मैं आपको हर स्वीर देखा सकता हूँ इसमें कि ये देखिए ये फलाना आप नाम बोला ये यहाँ रखा है ये ये है ये है, ये है और ये एक तरीके का लोगों को जागृति भी होती है इससे और लोग आते हैं देखते हैं पौधा उनको उचित कीमत पर सस्ती कीमत पर मिल जाता है ये ताकि लोगों को भटक भटकना ना पड़े इसी इसी मतलब क्षेत्र में उनको आसानी से पौधा उपलब्ध हो जाए इस उद्देश्य से नर्सरी की स्थापना की गई है हमारा एक प्रयास और है अभी हम लोग देखा है दुनिया में भी हेबिसकिस पे बहुत काम हुआ है गुड़हल पे और हम लोग आमतौर तो जानते थे गुड़हल क्या दो तीन प्रकार का होता है सफ़ेद लाल अभी हेबिस्कस में पाँच सौ वायटी नई डेवलप हो आई है जो लोगों ने हाइब्रेड इत्यादि करके डेवलप उसमें ही कुछ वरायटी हमने कलेक्ट किया है ये कि देखेंगे आप वहाँ से वहाँ तक दो सौ वरायटी कलेक्ट की हुआ है दो सौ टाइप का गुड़हल जिसमें आप देखेंगे कि एकदम उसका भी हमारा एक मन में एक है कि खजराहो में एक हेबिस्कस पार्क बनाया जाए और ताकि लोग हिप जैसे के बास के बारे में भी समझिए अच्छा क्लाइमेट भी सोटेबल है हिब्सकस का क्लाइमेट यहाँ बहुत सोटेबल है बहुत अच्छा देखिए आप ये अलग वैरायटी है ये देखेंगे अलग वैरायटी है ये बिल्कुल अलग वैरायटी है आप ऐसे देखते जाएंगे तो ये टू हंड्रेड वराइटी हिब्सकिस का ये सारा वरायटी जो है ये हमने बनाया है सेल के लिए ये हम लोग बहुत बहादुर से बाहर से मतलब प्लांट लाए फिर कटिंग लगाया कटिंग लगा के बनाया तो ये अलग वैरायटी है ये भी अलग वैरायटी है यानी सारा अलग अलग ये 200 सौ वैराइटी का हिबिस्क्स अपने पास उपलब्ध है अभी सबका बना नहीं पाए सबका भी बनाना बाकी है बाकी जिसका बन रहा है जो जो ये आसानी से उसको हम लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं तो हिबिस्कस का भी एक बड़ा पार्क हम खजराहों में बनाना चाहते हैं कि जहाँ दुनिया की कोई भी वैरायटी हिबिस्कस की हो वो खजराहों में देखने को मिल जाए क्योंकि ये हिबिस्कस काफ़ी काफ़ी फ्यूचर अभी लोगों को मतलब काफ़ी उसमें इंटरेस्ट आया है काफ़ी उसमें लोगों को उसके फूल सुंदरता से काफ़ी लोग प्रभावित हैं और काफ़ी मतलब लोगों में ये अपने कोई नहीं चाह हाँ हर हर आदमी चाहता कि मेरे गार्डन में हिबिस्कस हो जी इसमें आपको दिखाएंगे हिबिस्कस में ये सारी वैरायटी बाहर से लाई गई हैं ये सब इम्पोर्टेड वैरायटी हैं और ये हिबिस्कस में भी लाए हैं काफ़ी वैरायटी नई नई है अभी फ्लावर नहीं है आएगा उधर जो वैरायटी रखी है आइए सर एक मिनट तो आपको इसमें ये सब ग्राफ्टिंग है ये सब हाइब्रिड है ये पूरा ग्राफ्टेड है पूरा ये जो है ये पूरा ग्राफ्टिंग वाला है इसमें कि एक पहले फूल को मैं इसमें क्रॉसिंग करके नया बनाते हैं बनाने के बाद फिर इसमें जो प्लांट बनते हैं उनसे फिर अपन उन्हीं की स्टिक लेकर के ग्राफ्ट करके नया पौधा बनाते हैं ये आपको दिखाते हैं थोड़ा ये इधर जो हिबिस्कस के कुछ अच्छी वराइटियाँ हैं जो पहले लाए थे उसके उसमें फ्लावर भी चालू हो गए हैं बाकी सारे फ्लावर्स बाकी हम लोग करते हैं वो भी सब लोगों को देते हैं लेकिन हिबस्कस का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंस है जैसे आप यहाँ देखेंगे ये डेढ़ सौ वराइटी हिबिस्कस रखा हुआ है वहाँ पचास वराइटी रखा हुआ था तो इसमें आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो है जैसे ये स्मॉल फ्रूट फ्लावर्स में ये थोड़ा अलग फ्लावर है ये देखेंगे इसका अलग कलर है ऐसे करके ये पर नहीं बहुत अभी चूंकि ये दिन में खुलता है धूप लगेगी तब खिलेगा जी एक ग्यारह बारह बजे खिलता है अभी सुबह का टाइम है इसलिए ये देखिए अब इतना एक्सीलेंट कलर है हिबिस्कस का वो वो प्लांट ज़रूर देखिए देखिए सर वो कितना बड़ा और कितना एक्सीलेंट बिल्कुल न्यू कलर है वो और ये सारा हिब्सकस का नया नया वैरायटी है जो इसको भी मदर मतलब प्लांट रूप में लगाएंगे जैसा गुलाब लगाया है पाँच दो हज़ार वेराइटी अभी अगर अच्छा होगा तो दो हज़ार गुलाब का और ला के लगाएंगे अपन यानी जो इंडिया में जितना गुलाब अवेलेबल है अपन कोशिश करेंगे कि खजराहों में सब वैरायटी अवेलेबल है तो ना कंटिन्यूस में प्रयास है धीरे धीरे दो हज़ार जो रह गया वो भी ला के लगाएंगे और इसका भी पाँच सौ वरायी अवेलेबल वो भी ला के यहाँ